खरीदें, एक से अनेक पौधे बनाएं। फल हो, फूल हो या लताएं, एक से अनेक पौधे बनाएं। मॉनसून का सीजन प्लांट्स प्रोपोगेशन के लिए सर्वोत्तम सीजन। एक से अनेक पौधे बनाकर अपने छत की बगिया को और भी खूबसूरत बनाएं। बिना पौधे खरीदे हुए बहुत साधारण तरीके से जो आपके घर के पौधे हैं उनको आप संवर्धन कर सकते हैं, आप अपने यूज कर सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है। बहुत इजीली आप एक प्लांट से अनेक प्लांट बना सकते हैं। ये क्लोरोफाइटम है, इसको हम लोग स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। जब आप इसको निकालना चाहें तो पहले आप इसको पूरा अपने हाथ से इकट्ठा करिए, उसके बाद आपको पौधा पकड़ना है और इस पौधे को आपको पलटना है। जब आप इसको पलटेंगे तो आप देखेंगे ये आराम से बाहर आ जाएगा। जब आपका पौधा बाहर आ गया उसके बाद आपने इस पौधे को बहुत आराम से इसकी फालतू मिट्टी हटा देनी है आपने, और ये आपके शकर्स आपको इजीली दिखेंगे। जब आप इसके शकर्स को हटाएंगे तो आप देखेंगे ये एक एक पौधा आपका फाड़ने के बाद, ये देखिए एक ये निकल रहा है, ये एक पौधे में से अभी मैंने आपके तीन पौधे निकाल दिए। ये पौधा है, इस पौधे में आप देखेंगे तो साथ में ये स्पाइडर्स भी हैं। ये अलग पौधा बन गया, ये आपका अलग पौधा बन गया। आप देखेंगे जब भी आप शकर्स को निकालेंगे इस शकर्स में ये रूट डिवीजन में जड़ें होनी चाहिए। ये जड़ें नहीं हैं तो फिर आपका पौधा नहीं चलेगा, पत्ता और जड़ें। अब उसके बाद आपने जो मदर प्लांट है जिसमें से आपने निकाला है उसको आप अपने गमले में वापस लगा दें। जब आप लगाएंगे तो जड़ें आपको तोड़नी नहीं है, आप इसको प्रेस करके मदर प्लांट आपका तैयार है। अब ये दो पौधे मेरे अलग से तैयार हो गए। ये दूसरा गमला जिसमें आपने पौधा लगाना है, आप मिक्सर लेंगे, शकर्स जो आपने निकाली है, जो रूट डिवीजन किया है, इस रूट डिवीजन को आपने इस पौधे में जड़ों के साथ में, देखिए ये जड़ें आपको दिख रही हैं, ये जड़ों के साथ में आपने इस पौधे को बिल्कुल सीधी पोजिशन में आपको ये पौधा लगा देना है। ये मेरा दूसरा पौधा तैयार हो गया। इसी तरीके से आप इसको अलग अलग उसमें लगा के बना सकते हैं। अब हम आपको फरन में वो सब चीज़ें करके दिखाते हैं कि आप फरन एक पौधे से आप कैसे बना सकते हो। अब आप देखिए इसमें फरन में आप देखेंगे तो ये आपको हर गमले में अलग अलग इसका गुच्छा दिखेगा। आप जब देखेंगे इनको प्लांट्स को बीच में से निकाल के तो आपको इसके पूरे पौधे के गुच्छे आपको देखेंगे। आपको यही पौधा सेलेक्ट करना है। पहले आप पूरे पौधे को आप इकट्ठा करिए और आराम से आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं। जब आप इसको पकड़ेंगे उसके बाद आपका गमला, इसको बहुत आसानी से आप इसको चेंज करेंगे तो ये गमला पौधा बहुत आसानी से पौधा निकल जाएगा। फिर आपको इसमें देखना है कि ये पौधे अलग अलग आपको गुच्छे देखेंगे। जब आप गुच्छे देखेंगे तो इनको आपको ये आपको गुच्छा इसका अलग अलग देखेगा, और आपको गुच्छे के बाद में अपना खुरपा लेना है तेज, उसको आपको उसको ये काटना है। इसके साथ में आपने इसको ये काटना है। काटने के बाद जब आप काटेंगे तो इसका अलग अलग ग्रुप निकल जाएगा, पूरे पत्तों के गुच्छे निकल जाते हैं। और ये गुच्छे अब आप देखिए ये अलग अलग गुच्छे मेरे बन के तैयार हो गए। ये पौधे एक से मैंने तीन पौधे बना दिए हैं, और इनको आप अलग अलग गमलों में लगाइए और ये बहुत आसानी से आपका पौधा तैयार हो गया। ये आपका, इसको हम लोग फॉक्सटेल फर्न भी बोलते हैं। ये एस्पैरेगस मायरी है और बास्केट के लिए बहुत अच्छा पौधा है, बालकोनी के लिए बहुत अच्छा पौधा है। अब जब आप पौधे को जब निकालेंगे तो पहले आप पौधों को पूरा आपको इकट्ठा करना। आप पहले पौधे को आप देखिए तो गमला आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से पकड़ के और आपको गमला इसका बदलना होता है। ये देखिए ये पूरा गमला आपका बाहर आ गया। हमने इसमें प्लांट के हिसाब से अभी आपको मैंने बोला इसको पूरी मिट्टी को आपको स्प्लिट करना है। ये आपका एक स्प्लिट पौधा आ गया। अब इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ
ये आप गौर करेंगे, इसमें ये राइजोम्स बने होते हैं। ये राइजोम्स, इनको आपको आसानी से हटा देना है। जितना आप राइजोम्स हल्का करेंगे ये पौधा, उतना बढ़िया दोबारा से चलेगा। और आपको इस तरह से एक पौधे से कई पौधे आपको बना लेने हैं। फरन और ये सामान्य है, सिर्फ इसमें राइजोम्स आपको हटाने होते हैं, ये फ़र्क है। आज हमारी आवश्यकता है स्नेक प्लांट की, क्योंकि ये एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये बहुत कॉमन प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, और इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें आप देखेंगे जब भी आपका गमला होगा उसमें इसके अलग अलग बोल्स आपको बनते हुए दिखेंगे। इसके अंदर रूट फाइबर रूट्स होती हैं, लेकिन इसका मेन शकर बनता है। उस शकर को आपको अलग करके हटाना है, उसको तोड़ना नहीं है, सावधानी वही करनी है। जब आप गमला निकालें, आप देखिए अपना पौधा नुकसान नहीं हो, इसको डैमेज नहीं हो। आप अपने हाथ का प्लांट पे सपोर्ट रखिए और फिर प्लांट को आप ये देखिए, ये आपका मूल पौधा है जो गमले में था। ये जो मेरा पौधा था, अब आप इसको गौर करेंगे तो इसमें एक पौधे में बहुत से शकर्स निकल रहे हैं। अब देखेंगे, गौर करेंगे ये वाला। अब इसमें आपको एक एक पौधे को बहुत आसानी से यहाँ से पकड़ना है और धीरे धीरे आपको इसको दबाव करना है। आप कोशिश करिए कि जल्दी ना करें। देखिए, आप जितना धीरे करेंगे और ये प्लांट, ये देखिए, आप इसमें जल्दबाजी ना करें। जितना आराम से इसको आप निकालेंगे पौधा, उतने आराम से निकल जाएगा। एक पौधे से जितना आपके बल्ब होंगे उतने आपके बन जाएंगे ये। अब आप इसको हर अपने गमले में अलग अलग आप लगा सकते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ये मनी प्लांट का पौधा है, ये साधारण मनी प्लांट है और हर घर में पाई जाती है। सबसे हार्डी प्लांट है और इजी टू मेंटेन, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अब आप गौर करेंगे तो जो आपका पौधा है उस पौधे में से आप देखेंगे ये इसकी नई ग्रोथ निकलती है। आप देखेंगे जो ग्रोथ है उसमें हर नोट पर यह नई जड़ विकास हो रही है और ये इसका मूल पौधा है। आप इसको अलग करके बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी आप साधारण कैंची लें और आपको यहाँ से ये आपको काट के एक आपको नई कटिंग मिल गई, ये हमको नए गमले में लगाना। आप गमला लें, आपको उसमें मिक्सर, अच्छा खाद का मिक्सर भर के जब आप इसको लगाएं, आपको ध्यान ये रखना है इसकी जड़ें, जो नई जड़ें इसकी आई हुई हैं नोट्स पे उसको, और जो आपके साथ में सपोर्ट स्टेम है उसको आपने मिट्टी में दबाना है। आप इसको मिट्टी में दबाइए और पत्ते आपके ऊपर रहेंगे और ये आपका नया गमला हो तैयार है। मैं अब आपको जेट बता रहा हूँ, बहुत साधारण सा पौधा है। जब भी आप जेट की कटिंग लें, आप ये देखें कि जेट का जो पतला ऊपर की ग्रोथ वाला कटिंग है ये आपकी कटिंग नहीं चलेगी। आपको तना छांटना है जिसमें थोड़ी सी मोटाई हो। आप अपनी कैंची लें और उसको आप कटिंग कर लें। ये आपका कटिंग वाला पीस है। अब आप देखिए, ये मैंने कटिंग करा है, पौधा आप अलग करिए। ये पौधा है जो आपको कटिंग से बनाना है। अब आपको इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखें, जब भी आप कटिंग बनाएं इसमें जितना ये ग्रोथ है आप इनको हटा दीजिए और आपका ये एक कट स्टेम तैयार हो गया। आप इस कट स्टेम में देखेंगे तो यहाँ से
ये आंखें इसकी हैं, ये होनी चाहिए। और उसके बाद आप गमला लें, गमला लेने के बाद आप देखें 1.5 से 2 इंच के बीच में आपकी आंखें होंगी, वो आपको गमले में अच्छे मिक्सर के बीच में आपको सीधा लगा देना है और उसको अच्छे से आप दबाव कर दीजिए। ये पौधा आपका तैयार हो गया और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। प्लांट्स के कलेक्शन में आप क्रीपर्स बहुत रखते हैं, खुशबूदार फूलों वाली बेल आपके बगीचे की शोभा है, और बेल भी आप अपने घर पे बहुत आसानी से बना सकती हैं। और जब आप अपने घर पे बनाएंगी उनको, जो मैं विधि आपको बता रहा हूँ, उससे जो नई पौधा तैयार होगा वो, क्योंकि आप कटिंग से तैयार कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग से तैयार कर रहे हैं, तो उसमें फूल भी ज़्यादा आएंगे और कम उम्र में ही वो ज़्यादा फूल देना शुरू कर देगा। तो उसका मैं बहुत आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चमेली की मेरे पास पौधा है, अब देखिए ये पीली चमेली की बेल है। इस बेलों का एक करैक्टर होता है, इसमें शूट्स निकलते हैं, आप देखेंगे नए नए लंबे लंबे शूट्स निकलते हैं, ये सारे शूट जब ये बढ़ती है तो भी इसमें शूट्स नए नए निकलते हैं। इन शूट्स को हम लोग नए प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे, जो आपका पौधा जहाँ लगा है, गमले में लगा है, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, वो पौधा वहीं होता है। हम उसके पास में हम इसमें से कुछ ब्रांचेज को छांटते हैं, जिन ब्रांच में तना थोड़ा सा मोटा हो, जिसमें तना बन गया हो। अब देखिए ये एक ब्रांच है जो हमारे एक स्वस्थ ब्रांच है, जिसको हम लोग अलग से प्लांट के लिए तैयार करेंगे। अब आपको गौर ये करना है, आप देखेंगे इसमें हर नोट के ऊपर पत्ते आ रहे होते हैं। यहाँ से आपको इसकी आंखें आपको तोड़नी नहीं है, आपको ये आंखें काटनी है। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब ब्रांच में से तोड़ते हैं तो उनको ये खींच के ऐसे आप तोड़ देते हो। जब आप ऐसे तोड़ते हो तो इसकी आंखों का डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ से खराब हो जाती है। तो आप इसको काटिए, आप कम से कम 3 आंखें, देखिए 1, 2, 3, 3 आंखों को मैंने साफ कर दिया। इन आंखों के बीच में देखिए, एक आंख ये है, एक आंख ये, एक आंख ये, इनके बीच में अब आपको इसकी जो स्किन है उसको हल्की सी, आपको स्किन को देखिए, मैंने हल्का सा स्किन छील लिए। आप गौर ये करें कि ये कटे नहीं, सिर्फ स्किन आपकी छिल जाए, और ये 2 आंखों के बीच में आपको इसकी स्किन छील देनी है। ये हल्का सा स्किन आपकी देखें, ये छिल गई है, आंख एक इधर है, एक इधर है, एक आंख बीच में, दोनों के बीच में मैंने इसको हल्का सा छील दिया। इसके साथ में आपको पाउडर लेना है, हार्मोन, रूट हार्मोन पाउडर आपको लेना है। रूट हार्मोन पाउडर आपको इसके पास में जहां आपने सेलेक्ट किया उस ब्रांच पे आपको लगा देना है। ये आपका स्पेस तैयार हो गया। अब आपको रूट हार्मोन लगाने के बाद इस प्लांट को आपको इतना पोर्शन आपको गमले में दबा देना है। जब आप गमले में दबाएंगे, दबाने के बाद आप इस पौधे को ऊपर से ये निकल ना जाए इसलिए इसको आपको एंकर करना है। उसके लिए हमने खपच्ची ली है, खपच्ची लेके और खपच्ची को आपने स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके और आप इसको इस तरह से रोक कर दीजिए। जब आप इसको रोक करेंगे ये पौधा यहीं रुक जाएगा, ये हिलेगा नहीं। इसको लगाने के बाद यदि आपका पौधा हिलता है, यहाँ से हिलेगा तो जड़ें नहीं लेगा, आपको इसको जाम करना है। ये 20 से 25 दिन में ये यहाँ से जड़ें ले लेगा, ये पौधा तैयार हो जाएगा। इसके तैयार होने के बाद आप इसको अलग से काट दीजिए, काटने के बाद ये आपका पौधा तैयार हो गया। सारी लताएं, सारी बेल इसी विधि से तैयार होती हैं, आप अपने घर पे तैयार कर सकते हो, और बहुत तेज तरीका है ये। बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। छतों पे आप लोगों को ग्रीन पौधे, एवरग्रीन पौधे, वो आपके कलेक्शन में जरूर होते हैं, उनसे हमारे बगीचे की छटा रहती है। अभी मेरे पास यहाँ पे फाइकस पांडा का पौधा है। फाइकस पांडा का पौधा हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक हम लोग कटिंग करके बना सकते हैं, एक हम इसमें गुट्टी बांधते हैं। कटिंग करके बनने के लिए आपको थोड़ी सी ये सावधानी रखनी कि पौधे की उम्र कम से कम इतनी हो कि उसका तना मैच्योर्ड हो, तने में पूरी वुड हो,
कच्चा तना आप कटिंग में लगाएंगे वो नहीं लगेगा। जैसे आप इस पौधे को देख सकते हैं, मैं आपको ये पौधा आपको दिखाता हूँ, ये एक नया पौधा है, ये कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है। लेकिन आप यदि गौर करेंगे, अभी इसकी लकड़ी, इसका वुड स्टेम अभी मैच्योर नहीं हुआ है। जब मैच्योर नहीं हुआ तो इसको फिर से हम कटिंग लगाएंगे, गुट्टी लगाएंगे, तैयार नहीं होगा। तो ये अभी हमारे लिए बेबी प्लांट है। अब आप देखेंगे, ये मेरे पास पौधा है, इसका आप तना देखेंगे तो इस तने में एक मैच्योरिटी आ चुकी है। ये इस पौधे को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक कटिंग विधि से होता है कि हम लोग कटिंग करके सीधा हम लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग यहाँ पे ग्राफ्टिंग करते हैं, गुट्टी लगाते हैं। अभी इसमें जो साधारण कटिंग के लिए हम लोग लेते हैं, इसकी एक अच्छी ब्रांच छांटते हैं, उसको हम लोगों के उसके साथ हमने कट कर लिया। कट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें जितना भी पत्ता है, जो भी इसकी ब्रांचेज निकल रही हैं, वो हमको अलग कर देनी है। वो पौधा हम लोग सिर्फ इसकी कटिंग बनाएंगे और आपने इसको, ये आपका कटिंग स्टेम तैयार है। इसमें जहाँ से आपने कट किया है उसको आपने हार्मोन्स, आपको रूट हार्मोन्स लगाने हैं, रूटेक्स पाउडर होता है, ये आपने लगाना है। इसको लगाने के बाद आप देखें, जिस गमले में आप लगाना चाहते हो उस गमले में आपका मिक्सर तैयार है। और आपको सीधा नहीं लगाना, हल्का सा आपको इसमें 2 से 3 इंच आप इस ब्रांच को लगा के अच्छी तरह से आप दबा दीजिए और ये आपका कटिंग से पौधा साधारण विधि से तैयार हो गया। ये 1 महीने में आपके नए पत्ते इसमें आना शुरू हो जाएंगे, ये पौधा आपका तैयार हो जाएगा। दूसरी विधि जो इसमें है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जब हम लोग कटिंग से लगाते हैं उस पौधे को बनने में, गमले को बनने में टाइम लगता है, तो उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस पौधे में आपने ब्रांच छांटनी है जिसमें आपका ये पूरा का पूरा ब्रांच बना हो और तना थोड़ा मोटा हो। इसको आप दूसरे प्लांट को बनाना चाहें तो इसका गुट्टी लगाने का तरीका होता है। अब देखिए, ये आपका जो तना है ये पर्याप्त मोटा होना चाहिए, पूरा मैच्योर्ड तना होना चाहिए। आपको ब्रांच को एक तेज़ ब्लेड लेनी है। तेज़ ब्लेड लेके देखिए, आपको यहाँ पे, आपको इस ब्रांच पे पहले आपको निशान मारना है। आप देखेंगे यहाँ से 1 से 1.5 इंच के बीच में आपने पहले आपने निशान लगा दिया। उसके बाद आपको इसकी स्किन को पील ऑफ करना है। आप गौर करिए, देखिए यहां से आप ये आप गौर करेंगे तो मैंने इसकी स्किन को आपको इसको स्किन को पील करना है। ये देखिए, ये पूरी इसकी स्किन मैंने हटा दी है। अब स्किन को हटाने के बाद आपने इसके अंदर का जो लकड़ी है सॉफ्ट, उसको हल्का सा आपने छील देना है। इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि ये डैमेज ना हो, सिर्फ आपको इसको हल्का हल्का छीलना है। जब आप उसको स्क्रैच कर देंगे उसके बाद ये आपका एक रिंग निकल आएगा। ये आपकी पहली स्टेज है, आपने आउटर स्किन को निकाल दिया है, बीच की स्किन को छील दिया है और ये 1.5 से 2 इंच का आपने गैप बना दिया। उसके बाद आपने रूटेक्स पाउडर लेना है, रूट हार्मोन लेना है। रूट हार्मोन लेने के बाद आपने इस पर उसके बाद आपको अच्छा सा मिक्सर लेना है जिसमें कंपोस्ट हो और कोकोबीट हो। ये मिक्सर आपका नम होना चाहिए, ये सॉफ्ट वो लेना और ये नम होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, ये नम हो। आप इसको दबाएं तो ये एक आकार ले ले। अब आपने इस प्लांट पे जहां आपने पील ऑफ किया है उसको आपने आप गौर करेंगे तो ये इसके साथ में आपको रैपिंग आपको ये चाहिए, प्लास्टिक की पन्नी होती है, ये आप यूज करेंगे। 1 से 1.5 फुट की एक आप लंबाई काट लीजिए। लंबाई काटने के बाद जो आपका मिक्सर है, एक कटिंग के लिए आपको 1 मुट्ठी के करीब आप मिक्सर लें और इसमें आप लेके और आपको इसके साथ रैप करना है
और रैप जब आप करें तो ऊपर से नीचे पूरा रैप हो जाए। रैप करने के बाद फिर आप एक धागा लें, आपको ये सुतली चाहिए, आप अंदाजा 1.5 से 2 फुट की आप सुतली काट लीजिए। उसके बाद आप नीचे से लेके ऊपर तक जो भी आपने इसमें मटेरियल लगाया है वो इसमें इंटैक्ट रहे, और आप इसको रैप करके वो पैक कर दीजिए। ये आपका गुट्टी लग गई और ये पौधा आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ये आपका गुट्टी लग गई और ये पौधा आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। जब ये जड़ें ले लेगा आपको यहाँ से कट करना है, और ये पौधा आप अपने गमले में प्लास्टिक हटा के जब ये तैयार हो जाएगा इसको आप कट कर देंगे प्लास्टिक, और आप अपने नए गमले में लगा दीजिए। ये आपका तैयार पौधा। तो आपने देखा, आप अपनी छोटी सी बगिया में बिना किसी खरीद के अपने पौधों को और आकर्षक बना सकते हैं।